Hello student, I am Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bio's Planet. तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में. अभी हमने पिछले वाले लेक्चर जो मैंने दो तीन लेक्चर पहले से ही अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं. उनमें मैंने आपको सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी, उसके बाद मैंने कुछ और भी फीचर बताए थे सेल के बारे में, कुछ और चीज़ें बताई गई थी सेल के बारे में. अब जो हम बात करने वाले हैं वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ओके, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सेल टाइप्स ऑफ सेल क्या होती है, वो कितने टाइप की सेल होती है, हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में. देखो आपको यहाँ पे मैंने पहले से दो तीन डायग्राम आपके बना के रखे हुए हैं. ये एक्चुअली ये एक एनिमल की सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है, दिस इज अ प्लांट सेल, और जो ये अब मैंने बनाया हुआ है ये आपकी एक बैक्टीरिया की सेल है. अब इन सारी चीजों को आपको मैंने क्यों बनाया ये हम समझ लेते हैं. अब देखो बात करते हैं सेल. तो मैंने पहले से ही आपको बताया कि सेल क्या होता है. सबसे पहले यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ सेल. आपको सेल के बारे में पता है, सेल की आपको डिफिनेशन पता है. सेल वो जगह है, सेल वो बॉडी की यूनिट है, क्योंकि हमारी पूरी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है. अब आपको ये पता है कि सेल की बनी हुई है, तो जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है या सेल के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो ये वो केमिकल होते हैं, या सेल जिन चीज़ों की बनी होती है ये वो केमिकल होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. ठीक है, कहीं भी ये लाइफ ये सारे रिएक्शन नहीं हो सकते. जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो रिएक्शन होते हैं ये हर कहीं नहीं, हर जगह पे नहीं हो सकते, सिर्फ वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे ये आपकी जहाँ पे वो लिविंग कंटेंट पाए जाते हैं. अब उस लिविंग पार्ट को हम सेल कहते हैं. तो सेल में भी सारा पार्ट लिविंग नहीं होता, कुछ पार्ट उसमें लिविंग होते हैं और कुछ पार्ट नॉन लिविंग होते हैं. अब हम बात करते हैं पहले लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट के बारे में. तो अगर मैं बताऊँ इसमें कि कौन सा पार्ट होता है लिविंग, क्योंकि रिएक्शन तो सारे लिविंग पार्ट में ही होने हैं, नॉन लिविंग पार्ट में कुछ नहीं होना है. ओके, तो सारे रिएक्शन लिविंग पार्ट में होने हैं. अगर मैं आपका एक ऐसे डायग्राम बना दूँ, सिंपल सा एक डायग्राम है सेल का. अब इसके बाहर एक कवरिंग सी है, ग्रीन कलर की मैंने एक कवरिंग बना दी, और ये समझ लेते हैं ये हो गया आपका सेल. अब हम इस सेल के बाहर जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, इस कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल. और बाकी सारी चीजें, अगर हम ये सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट होता है, अगर हम इसे हटा दें, इस नॉन लिविंग पार्ट को अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल रह जाता है. सिर्फ लिविंग पार्ट आपका सेल का, सिर्फ लिविंग पार्ट आपके पास है. अब इस लिविंग पार्ट को हम कहते हैं, इस नॉन लिविंग पार्ट को जब हमने हटा दिया, इस लिविंग पार्ट को हमने क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट वो लिविंग कंटेंट होता है जहां पे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल सारी एक्टिविटीज होती है, जहां पे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. एक साइंटिस्ट थे जूलियस हजले, जो आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, उन साइंटिस्ट का नाम था जूलियस हजले. अकॉर्डिंग टू जूलियस हजले, जूलियस हजले ने क्या कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के लिए, या लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज यहाँ पे देखी जा रही है तो वो आपका प्रोटोप्लाज्म है. तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दिस वाज नोन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, दैट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. तो लिविंग का जो सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जहां पे लाइफ की सारी एक्टिविटीज होती है. ओके, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन चीजों के बारे में. देखो दो तीन चीजें बड़ी कॉमन होती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी सेल में पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो. सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी, एक कवरिंग होगी, एक कवरिंग. अब इस कवरिंग को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हिंदी में झिल्ली भी लिखा रहता है, तो ये मेम्ब्रेन जो होती है ये ऑलमोस्ट सारी की सारी सेल में पाई जाती है. दूसरा सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाने वाला ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड जो दिख रहा है
इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटो प्लाज्म। तो दो तीन चीजें कॉमन है, एक तो आपका क्या देखे हर सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियस, तीसरी चीज क्या होगी साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीजें बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट आपको हर सेल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट सारी के सारे सेल में ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर, जो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो एनिमल सेल का बनाया हुआ है उसमें कई चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, तो मैं एक पूरे ओवरव्यू को बता दूंगा। ठीक है, पहले हम सेल टाइप को ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखते, पहले टाइप्स ऑफ सेल बताते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सारी चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। तो इनको समझने के लिए कंप्लीट पढ़ना जरूरी है टाइप्स ऑफ सेल को। अब ये कितने टाइप के होते हैं मैं इनको बता यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो आपके सामने दो चीजें हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे प्रो वर्ड जो लगा हुआ है, प्रो कैरियोटिक मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, वेरी सिंपल टाइप ऑफ, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, जो पूरी तरह से डेवलप ना हो उनको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और कैरियोन दो वर्ड से बना हुआ है, और कैरियोन, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यू मीन्स ट्रू होता है, और कैरियोन मीन्स आप अभी भी आप समझ जाएंगे आप, इसका मतलब होता है ट्रू मीन्स कंप्लीट। तो ऐसी सेल जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस होगा हम उनको यूकैरियोटिक कहेंगे, जिनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा हम उनको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। समझने के लिए मैं एकदम यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये वाला, इसमें मैंने ऐसे सेंटर में इस तरीके का एक डायग्राम बनाया, और मैंने एक बगल में ही एक और सेल का स्ट्रक्चर बनाया, और उसमें सेंटर में मैंने जो सर्किल बनाया वो एक अलग तरीके से। तो यहाँ पे जो इस सर्किल को हम न्यूक्लियस कहते हैं, तो ये न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रो कह रहे हैं, मीन्स इनकम्प्लीट डेवलप है या इनकम्प्लीट है। अब ये वाला कम्प्लीट है तो हम इसको यू कह सकते हैं, मीन्स दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, दिस इज अ ट्रू न्यूक्लियस, ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है और ये ट्रू न्यूक्लियस है। तो इस टाइप की जो सेल होगी उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और इस टाइप की जो सेल होगी हम उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में। अब देखो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आपका बैक्टीरियल सेल है, इसीलिए मैंने इसका डायग्राम पहले से ही बना दिया। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और कुछ चीजें इस तरह से भी इसके पूरी बॉडी पे सरफेस पे देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका बैक्टीरियल सेल एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक का, तो मैं लिख दे रहा हूं बैक्टीरियल सेल डीसी। तो ये और यूकैरियोटिक का एग्जांपल आपका दोनों रहेगा, चाहे प्लांट होगा और एनिमल, तो आप जो प्लांट सेल है और एनिमल दोनों सेल आपके यूकैरियोटिक के एग्जांपल है। ओके, मैं अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस के बारे में बताता हूँ, कुछ डिफरेंसेस बहुत ही जनरल से डिफरेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला तो डिफरेंस यहाँ पे होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, देखो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, पहले तो डिफरेंस हो जाएगा, फर्स्ट आप डिफरेंस लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, आप अपने से इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। पहला तो डिफरेंस हो जाएगा न्यूक्लियस, एक में आप लिखेंगे न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है या एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, या फिर लिख सकते हैं प्रिमिटिव या डेवलप होता है, एक इसमें हो जाएगा प्रिमिटिव, इसमें हो जाएगा डेवलप। ओके ओके, सेकेंड हम बात करते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में।
तो इनके अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये घिरे होते हैं एक और मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना, इनके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और इनके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो बाउंड मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ओके, तो एक हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। अब इसमें आप बहुत सारे आ जाएंगे, आप चाहे तो आप कहीं लिख सकते हैं। पहला तो आपने न्यूक्लियस लिख दिया, सब जो सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बेस पे ही हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक को अलग करते हैं, यूकैरियोटिक को अलग करते हैं। अब एक तो न्यूक्लियस एब्सेंट, दूसरा मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, गॉल्जी बॉडी मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन। तो जिनमें मेम्ब्रेन पाया जा रहा है वो प्रोकैरियोटिक में। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। आप लिख सकते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम बहुत सारे हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन। तो ये जो होती है इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। इनकी सेल वॉल अगर इनमें यूकैरियोटिक में सेल वॉल अगर पाई जाएगी तो वो ज्यादातर जो जनरली सेलुलोज की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है बट दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो एकदम एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, उसके अलावा दूसरी उसमें चीजें ऐड होती है इसीलिए। ओके, दो चार डिफरेंसेस मैंने इनके बता दिए। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझना, उनके डिफरेंसेस को समझना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो आप उनको आप प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, बट जब हम कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अगर हम समझेंगे तो फिर उसके बाद हमारे लिए टिश्यू को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो पहले हम प्लांट और एनिमल टिश्यू का एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखें। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है। तो अब हम आगे की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, तो सिंपली नाम से ही पता चल जा रहा है ये कौन सा सेल होती है। प्लांट सेल है जो आपके प्लांट में पाई जाती है, ये एनिमल सेल है एनिमल में पाई जाती है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं प्लांट और एनिमल में, आपको ये इन चीज़ों के बारे में पता है पहले से। तो आपको मालूम है जब ये डिफरेंस प्लांट और एनिमल में कि हम मूव कर सकते हैं, दे कैन नॉट मूव, बहुत सारे डिफरेंसेज आप देखेंगे तो आप कहेंगे क्या हमारी बॉडी और उनकी बॉडी सेम टाइप के सेल से बनी होती है। यूकैरियोटिक तो होते हैं क्योंकि दोनों के पास कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, बट दोनों की सेल के बीच में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड, हमें फूड को बाहर से लेना पड़ता है। तो कुछ तो डिफरेंसेस है, उन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे जब हमने उनकी स्टडी की तो हमें यह समझ में आया कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर भी काफी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, इवन दे आर यूकैरियोटिक, दोनों यूकैरियोटिक होते हैं, मींस दे हैव कंप्लीट न्यूक्लियस। चलो अब आगे बात करते हैं इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, हम उनको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप देख ले, पहली चीज हो जाएगी, मैं चार पांच पांच छह यहाँ पे डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ, उसके एक्स्ट्रा जो डिफरेंसेस होंगे आप अपने से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई है। ओके, पहले इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। एक तो आपका ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद ये आपकी है गॉल्जी बॉडी,
गोल्जी बॉडी तो कई गोल्जी बॉडी बनाया है हमने। इसके बाद ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये आपका है लाइसोसोम। ओके, तो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ये हो गया। इसके ऊपर आपका ये दिख रहा है, ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी सारी चीजें हैं, क्योंकि बिना किताब देखे तो आप पढ़ेंगे नहीं, और अगर आप बिना किताब देखे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप किताब को देखें और लेक्चर को, दोनों को साथ में देखते हुए और समझते हुए चलें, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर एक एक सिंगल पॉइंट को समझना है तो ये उनका बुक देखना बड़ा जरूरी होगा। ओके, तो ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ये हो गया, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मौलिक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ इनको, इनको कहते हैं राइबोसोम, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब वही सेम चीजें यहाँ पे भी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। और ये एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस प्लस। ओके, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाए, अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका डायग्राम बनेगा। ओके, धीरे धीरे, इवन कि आप जब अच्छे से कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पेंसिल की जरूरत नहीं, बल्कि आप आराम से पेन से ही बना लेंगे। एक बार आप पेन को रखेंगे और एक बार में ही आप डायग्राम को कंप्लीट बना लेंगे। ओके, पहला तो आपका डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं, तो सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस की डिफरेंस दिख जाती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल देखी जाती है, वहां पे सेल वॉल नहीं थी एनिमल वाले में, तो एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो आप लिखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड हमने क्या देखा, इसमें लाइसोसोम है, इसमें लाइसोसोम जनरली एब्सेंट होते हैं, तो लाइसोसोम एनिमल सेल में, लाइसो एनिमल सेल में, ये आपका प्लांट में पाया था, एनिमल में नहीं पाया था। ओके, थर्ड जो डिफरेंस आपका दिख रहा है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपका एनिमल सेल में जो होता है, एनिमल में लार्ज साइज का होगा, और प्लांट सेल में थोड़ा सा उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। और फोर्थ डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें आपका वो वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल आपका प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में वैक्यूल ना के बराबर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा, तो अमीबा जो होते हैं ना उनके अंदर फूड वैक्यूल्स देखे जाते हैं, इसीलिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनमें ये चीजें देखी जाती है। तो ये फोर्थ डिफरेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड क्यों खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब क्यों कैसे करते हैं, बिकॉज दे हैव प्लास्टिड्स, बिकॉज दे हैव प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में कई टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड्स होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे हम ये देखते हैं। तो चार पांच ये डिफरेंसेस मैंने बता दिए आपको, और आप अभी भी देखना चाहे तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा से कॉर्नर की तरफ होता है। तो और भी आप डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस, गोल्जी बॉडी कॉमन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी सिमिलरिटी भी है, डिसिमिलरिटी, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस को बताया, डिफरेंसेस को, सिमिलरिटी तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, ये आपका डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आप इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम सेल के ओवरव्यू को देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सेल के ओवरव्यू को देखेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसके बाद हम उसी सिक्वेंस में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल और जो भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर देखे जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पहले लिखा तो उसकी स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किसको किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसको किस पार्ट में। ऑलरेडी हमें ये चीजें पता है कि जो सेल होती है उनके अंदर तीन जो कॉमन चीजें, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल पाई जाती है उनके अंदर तीन कॉमन चीजें होती है। एक आपका होता है मेम्ब्रेन, सेकेंड आपका साइटोप्लाज्म, और थर्ड जो आपकी चीज होती है वो क्या होती है, उनका न्यूक्लियस। तो कभी कभी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट उनका न्यूक्लियर मटेरियल वहां पे देखा जाता है, मतलब डीएनए उनका देखा जाता है। ओके, तो आज का लेक्चर उतना ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, आपको जितना बताया गया आप उसकी नोट्स बना लें अच्छे से, बार बार उनको देखते रहें, और कभी लेक्चर नहीं समझ में आया तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में उसको एक दोबारा देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप जरूर लिखें। ओके, तो आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच।